कृष्ण के विषय बोल रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य परिवर्तन हो चुका है। जीवन का लक्ष्य परिवर्तन हो गया, और ये जीवन का लक्ष्य जब परिवर्तन हो गया तो दूषित से क्या हो गया जी, पवित्र हो गया। दूषित से पवित्र हो गया मेरे जीवन का लक्ष्य। पहले क्या था अब क्या हूं, पहले क्या करता था अब क्या कर रहा हूं, पहले क्या सोचता था अब क्या सोचता हूं, पहले क्या बोलता था अब क्या बोल रहा हूं। बोली मेरी बदल गई, यही तन यही देश, खारी से मीठी भई जब पाया सतगुरु उपदेश। उस महापुरुष ने मेरा जीवन बदल दिया। हम भटके हुए एक राही थे दुनिया की अंधेरी राहों में, हम तो अंधेरे रास्तों पे चल रहे थे, अंधेरे रास्तों पे चल रहे थे। हम भटके हुए एक राही थे दुनिया की अंधेरी राहों में, जीने का सहारा हमको मिला मसीहा तेरी बाहों में। जब आपने हाथ से पकड़ लिया तो हमारा जीवन का रास्ता ही बदल गया। इसलिए जब हम हरि कथा सत्संग कीर्तन भजन, और याद रखना सबसे बड़ी जड़ यहां बताई गई आपको वापस भगवान के धाम में जाने के लिए, कृष्ण के विषय सुनते रहो, चाहे वो कीर्तन हो चाहे वो कथा हो चाहे वो भजन हो, कुछ भी हो उसका विषय श्री कृष्ण की लीलाएं हो, श्री कृष्ण की बड़ाई हो, श्री कृष्ण की महिमा हो, श्री कृष्ण के गुण गाए हो, श्री कृष्ण 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 सुनते 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 आपका लक्ष्य पवित्र हो जाएगा और आप दूषित लक्ष्य से पवित्र लक्ष्य की तरफ चले जाओगे, जो आपको जीने का सही रास्ता है, जीने का सही रास्ता है। इसलिए कहा है गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है, जिसने फिर उसका डूबा ना जहां से, वो डूब ही नहीं सकता, वो डूब ही नहीं सकता है जिसने अपने गुरु के वचनों को संभाल के रखा, जिसने अपने बड़ों के वचनों को संभाल के रखा, जिसने महापुरुषों के वचनों को संभाल के रखा, जिसने सदगुरु के वचनों को संभाल के रखा है, वो डूब नहीं सकता। कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण की वाणी, कृष्ण के दर्शन, कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, कृष्ण की लीला, कृष्ण की बातें, कृष्ण के शास्त्र, कृष्ण की वाणी, ये सब जीवों को पवित्र करता है, सब जीवों को पवित्र करता है और आपको आपके घर तक पहुंचाएगा। और घर में भी कहां रखेगा, भगवान श्याम सुंदर के चरणों में। इससे बड़ा स्थान आपको क्या हो सकता है, इससे बड़ा स्थान आपको क्या मिल सकता है। और याद रखना वही चरण हमारे लिए सुरक्षित है, वही चरण हमारे लिए सुरक्षित है, इसलिए उन्हीं चरणों को अभय चरण अरविंद कहा गया। अभय चरण, वो चरण अभय चरण है, वहां कोई भय नहीं है, वहां कोई भय नहीं है। उन चरणों में जो चले गया श्री श्यामा श्याम जी के, उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए मैं जब आप लोगों को देखता हूं, चाहे वो माताएं हो चाहे सज्जन हो, तो एक मन में प्रसन्नता होती है कि ये जिस काम के लिए आए थे ये वही कर रहे हैं। जब मैं आपको माला उठाए देखता हूं, जब मैं आपको कीर्तन करते देखता हूं, जब मैं आपको भजन करते देखता हूं, जब आपको मैं वृंदावन चंद्र के दर्शन करते देखता हूं, जब मैं महाप्रसाद वृंदावन चंद्र का खाते देखता हूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस काम के लिए ये आए थे ये वही कर रहे हैं, जिस काम के लिए आए थे ये वही कर रहे हैं, और इनसे ज्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं होगा।
और जो संसार में भटक रहे हैं, भले अरबों रुपए बना रहे हैं, भले करोड़ों रुपए बना रहे हैं, अपना दिमाग चला 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 के खरबों रुपए बना रहे हैं, लेकिन अंत समय उन जैसा गरीब कोई नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो कमाया उसमें से एक रुपया भी अपने साथ ले जाने की हिम्मत नहीं रखता। वो किसी ने एक बहुत अद्भुत बात बनाई है कि भले संसार में जमा कर लो हीरे और मोती, भले संसार में जमा कर लो हीरे और मोती, लेकिन एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। जो हमको कफन पहनाया जाएगा उसमें कोई जेब नहीं होगी जिसमें लेके जाएंगे। इसीलिए आप अगर कुछ ले जा सकते हो तो ये हरि नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। इसलिए जब जहां मौका मिले भजन करो, जब जहां मौका मिले कीर्तन करो, जब जहां मौका मिले कृष्ण का स्मरण करो, जब जहां मौका मिले कृष्ण के दर्शन करो। बार बार उठते बैठते चलते फिरते छींक लेते खाते पीते यॉनिंग करते जमाई लेते कुछ भी करते कृष्ण याद आना चाहिए। जब आप छींक लो तो बोलो कृष्णा, आपका ऐसा होना है। वो आपकी सर्दी है ना, वो भी माला है, आपकी छींक भी माला बन गई, आपका योनिंग गोविंद, ये आपका योनिंग भी माला हो गई। लो, आपका उठना बैठना चलना फिरना सब भगवान भजन से जुड़ा हो। आप ट्रेन में चढ़ते हो तब भी कृष्ण को याद करते, गाड़ी से उतरते हो, इवन बाइक चलाते हो तो वहां बाइक को किक मारो और यहां से मुंह से भजन हो, वहां एक्सीलेटर पे हाथ हो और मुंह से भजन हो, घर में पहुंचो तो पहला काम हो भगवान प्रणाम, भगवान को मत्था टेको, घर से निकलो तो आखिरी काम हो उनको प्रणाम करके निकलो। ये अपने जीवन ऐसा जीवन बन जाए जो ऑटोमेटिक गियर में नहीं डालते गाड़ी को, वो खुद ब खुद चलती रहती, ऐसे आपका जीवन ऑटोमेटिक कृष्णमय हो, वो खुद ब खुद भजन होता रहे, खुद ब खुद दर्शन होते रहो, खुद ब कीर्तन होता रहे, खुद ब खुद ये सब होता रहे, ऐसा जीवन बना लो ताकि सब कुछ खुद ब खुद होता रहेगा तो एक दिन खुद ब खुद कृष्ण के पास पहुंच जाओगे ऑटोमेटिक। और हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है, और इस लक्ष्य को पवित्र कौन करता है? जो हमारे जीवन का लक्ष्य दूषित उसको पवित्र करता है, ये सत्संग, ये कृष्ण कथा, ये भजन, ये हरि नाम आपको वास्तविक लक्ष्य की ओर ले जाता है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निधाय गौर, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।